नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। बल्ल घाटी से एक महीने में दो युवक हुए गायब, स्थानीय जनता में पुलिस के प्रति रोष, जल्द कार्रवाई की लगाई गुहार। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई एस परमार की 107वीं जयंती पर प्रदेश भर में आयोजन, मंडी में बांटे गए मरीजों को फल। मंडी गांधी चौक पर स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा हुई खंडित, प्रतिमा पर पड़ी दरारें, लेकिन बेखबर है प्रशासन। और भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचे कांवड़िए, पंडों में हुआ कांवड़ियों का भव्य स्वागत। बल्ल घाटी से एक महीने में दो युवक रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए हैं। गायब युवकों के परिजन उन्हें हर संभावित क्षेत्र में ढूंढ चुके हैं, लेकिन युवाओं का कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। यहां तक कि पुलिस के हाथों अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं लापता युवक के परिजन रविवार को लगभग 200 लोगों के साथ बल्ल थाना पहुंचे और पुलिस पर जल्द ही कार्रवाई करने का दबाव बनाया। बल्ल घाटी से एक महीने में दो युवकों के रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने से क्षेत्र के लोग सहम गए हैं। वहीं एक लंबे अरसे के बाद भी लापता के घर ना लौटने पर युवकों के परिजनों की सोचने और समझने की शक्तियां भी साथ छोड़ने लगी हैं। आपको बता दें कि बल्ल से गायब दोनों युवक शादीशुदा हैं और उनकी पत्नियां हर पल अपने पतियों के इंतजार में टकटकी लगाए बैठी हैं। लापता युवकों की बात करें तो इनमें से एक 26 वर्षीय कमल कुमार है, जो क्रेहड़ी गांव का रहने वाला है, और कमल कुमार बीती 2 जुलाई से गायब है, जिसकी शिकायत उसकी पत्नी अनीता ने बल्ल थाना में दर्ज कराई है। अनीता का कहना है कि एक महीना बीत जाने के बाद भी उसके पति का कोई सुराग नहीं लग पाया है। उसने पुलिस विभाग से अपनी कार्यवाही में तेजी लाए जाने की अपील की है। वहीं दूसरा लापता युवक 36 वर्षीय महेंद्र कुमार बग्गी ख्यूरी का है, जो बीती 28 जुलाई से गायब है। उसकी शिकायत उसके भाई मनोज कुमार ने बल्ल थाना में दर्ज कराई है। आपको बता दें, ख्यूरी से लापता महेंद्र कुमार का परिवार रविवार को लगभग 200 लोगों के साथ बल्ल थाना में पहुंचा और पुलिस पर लापता को जल्द ढूंढने का दबाव बनाया। रात को 10 बजे। कितने दिन हो गए आज गुम हुए? आज 8 दिन हो गए। तो आपका क्या कहना है, पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है या क्या कहना है आपका? तो सर ऐसा ही लग रहा है मेरे को, तो पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है। किस किस पे शक है आपको और क्या चाहते हैं पुलिस क्या करे? सर मेरे को तो उन चारों के ऊपर शक है, वो ही बताएंगे, वो उन्होंने मेरा आदमी कहाँ रखा है और कहाँ। क्या क्या नाम है उनके? उनके नाम ललित है, लक्की है, और तिलकू पादा है, और बिट्टू सैम। और ख्यूरी गांव जो है हमारे नरसर पंचायत में पड़ता है, और वहाँ से जो है 28 तारीख को महेंद्र जी गायब हुए हैं, पर आज तक उनका पता नहीं लग रहा है। तो आज पुलिस स्टेशन आने का क्या मकसद रहा आपका? सर यही है, अभी उसका पता लगाया जाए, जो उनके साथ आदमी थे उनकी पूछताछ की जाए बड़े ठीक ढंग से, उन्हीं को पता होगा इस बात का। वहीं पुलिस की माने तो वह लापता युवकों को ढूंढने के लिए हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि पुलिस तथ्यों को जुटा रही है और जल्द ही लापता युवकों को ढूंढ लिया जाएगा। उसके बाद जो है लगातार उसमें तलाश कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। अभी कल भी हमारे जो है या इस थाना से एक एसआई साहब और एक कांस्टेबल साथ में जो है 4 कांस्टेबल भेजे थे, जो वहां पर जो है अब सुंदरनगर तक जो है उनकी तलाश की है, और स्थानीय लोगों के सहयोग से भी तलाश किया है, और हर तरीके से हमने कॉल डिटेल भी ली है। सस्पेक्ट जितने भी जो संदिग्ध है उनसे सबसे पूछताछ की है, और अभी जो है इसमें एक केस दर्ज कर रहे हैं। बेशक पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी पुख्ता सुराग नहीं लग पाया है। अब देखना होगा कि पुलिस की कार्यवाही कितनी जल्द इस गुत्थी को सुलझा पाती है। के न्यूज के लिए नीरचौक से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट।
हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई एस परमार की 107वीं जयंती प्रदेश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं मंडी में भी कुछ जिला परिषद सदस्यों ने व दलित संगठनों ने मरीजों को फल बांटकर डॉक्टर परमार को याद किया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर और दलित नेता चमन राही ने भी डॉक्टर परमार की प्रतिभा पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। हिमाचल प्रदेश के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर वाई एस परमार की 107वीं जयंती प्रदेश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी कड़ी में मंडी जिला में भी कई आयोजन किए गए। वहीं डॉक्टर परमार जयंती के उपलक्ष्य पर कुछ जिला परिषद सदस्यों सहित दलित संगठनों ने जोनल हॉस्पिटल पहुंच मरीजों को फल भी बांटे। वाई एस परमार को जो हमारे हिमाचल के निर्माता रहे हैं और हमारे हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, आज हिमाचल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है, ये परमार जी की ही देन है। आज हर क्षेत्र में हिमाचल अग्रसर है, शिक्षा का क्षेत्र ले लो आप, हेल्थ का ले लो, अदर्स ले लो, और वाई एस परमार जी को सभी जानते हैं और मैं चाहूँगी कि उन्हीं के रास्ते का अनुसरण करें। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य व दलित वर्ग समन्वयक चमन राही ने भी डॉक्टर परमार को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार ने संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर परमार के प्रयासों से ही दलित व पिछड़ा वर्ग के साथ साथ महिलाओं को भी उचित सम्मान मिल पाया है। 107 वर्ष पहले हिमाचल में जन्मे श्री वाई एस परमार जी, जिन्होंने भारतीय संविधान जब की रचना हो रही थी तो उसमें भारतीय संविधान के जो समिति थी उसके माननीय सदस्य भी रहे हैं, और उन्होंने सभी वर्गों के लिए जो व्यवस्था बनाई, खासकर पहाड़ी क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश का निर्माण उनके नेतृत्व में हुआ, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जब प्रधानमंत्री थे उनसे पैरवी करके उन्होंने हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको बनाया, और आज हमें बहुत खुशी है कि हिमाचल की अपनी सरकार है, हिमाचल का अपना प्रशासन है, और उसके मुताबिक हिमाचल का चौमुखी विकास हो रहा है। इस मौके पर एनजीओ लीडर चंद्रमणि वर्मा, गुरु रविदास समाज सुधार समिति अध्यक्ष सूबेदार शेर सिंह, अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के उपाध्यक्ष टेकचंद व अजीत कुमार सहित अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। के न्यूज के लिए मंडी से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड संस, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अश्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड संस, मोती बाजार मंडी हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारतीय सरकार के सहयोग से अपने कनेक्ट सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास, पहले आए निःशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। प्राथमिक सहायक अध्यापक संघ ने पैट अध्यापकों के वेतन में हुई वृद्धि को लेकर सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया है। संघ की मंडी इकाई ने जल्द से जल्द शिमला जाकर मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करने का मन भी बनाया है। संघ सदस्यों ने अब पैट अध्यापकों को नियमित करने की मांग भी की है। संघ का मानना है कि
टेट अध्यापक बीते 9 से 10 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें अब नियमित किए जाने की मांग जायज है। आज हमारी जिला मंडी प्राथमिक संघ सहायक अध्यापकों का पूरे 20 के 20 खंडों की हमारी मीटिंग हुई। इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह एवं शिक्षा विभाग तथा प्राथमिक शिक्षक संघ के स्टेट के पदाधिकारियों का बहुत धन्यवाद किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह द्वारा हाल ही में जो पैड के वेतन जो बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए समस्त अध्यापकों और शिक्षा खंडों के प्रधानों और पदाधिकारियों ने इस बात के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का धन्यवाद किया है। समस्त ब्लॉकों के अधिकारियों ने माना कि बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सरकार पैड के नियमित करने की घोषणा करें और इसके लिए यथासंभव जो भी पैड की समस्या है उनका अतिशीघ्र निवारण करने की कोशिश करें। मंडी शहर के बीचों बीच स्थित गांधी चौक पर स्थापित की गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा खंडित हो चुकी है। जी हां, महात्मा गांधी की प्रतिमा जिस पर पड़ी हुई दरारें इस प्रतिमा की पकड़ कमजोर हो जाने की दास्तां बयां कर रही हैं, लेकिन इस ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं। यहां तक कि गांधी चौक पर साफ सफाई को लेकर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते लोगों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, और आज उसे हर भारतवासी राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करता है। ऐसी शख्सियत की प्रतिमा हमें उनके बलिदान की याद दिलाती है, लेकिन क्या हमारा दायित्व प्रतिमा बनाकर उसकी बेकदरी करना ही रह गया है? मंडी के गांधी चौक पर बनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तो कुछ ऐसी ही दास्तां बयान कर रही है। गांधी चौक पर पड़े बीड़ी सिगरेट के ढेर, प्लास्टिक का कूड़ा कचरा इस स्थान के रखरखाव का जिम्मा लिए बैठे ओहदेदारों की कारगुजारी बखूबी बयान कर रहा है। श्री मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, आज बड़ा दुख होता है उनकी स्टैचू जो गांधी बाजार में यहाँ लगी हुई है, गांधी चौक पर लगी हुई है, उसकी इतनी दुर्दशा हो चुकी है, लेकिन प्रशासन अपनी आँखें मूंदे हुए हैं। जहाँ का कूड़ा करकट है, पान की पीक पड़ी हुई है, और प्लास्टिक के लिफाफों में जो बच्चे सामान खाते हैं वो पड़े हैं, सिगरेट बीड़ी पड़ी होती हैं, और दरारें पड़ चुकी है उस तस्वीर में, तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जल्द इस तरफ ध्यान दिया जाए। उसकी जो हर तरफ से सफाई होनी चाहिए, वहाँ कोई भी कूड़ा करकट वगैरह नहीं फेंकना चाहिए, है जी। और जो टूटा स्टैचू टूटा हुआ है उसकी रिपेयर होनी चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि वो उसकी पूरी तरह से देखभाल करे, है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिया है, ठीक है। तो इस करके उनके स्टैचू के पास हर तरफ से सफाई होनी चाहिए, और वहाँ कोई भी कूड़ा करकट या गंद नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन का काम है देखना। तो जिस इतने महान आदमी ने देश को आज़ाद किया, देश के लिए सोचा, देश के लिए हर काम किया, तो उसकी कदर तो हमें करनी चाहिए। प्रशासन से चाहूँगा कि डीसी ऑफिस के सामने और वो देखे इसको, भी ठीक करना चाहिए इसको। निश्चित ही इस पवित्र स्थान की ऐसी दुर्दशा हम सब की नालायकी ही बयान करती है, जबकि आम जनता को भी चाहिए कि ऐसे स्थानों पर कूड़ा कचरा फेंकने से पहले 100 बार सोचें कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। मेरा तो यही कहना है पब्लिकों से भी, तो औरों से भी, सबसे यही कहना है कि इंसानियत के नाते ऐसा मत करो, ठीक है। साफ सफाई का ख्याल रखो, जिन्होंने उनकी इतनी कुर्बानियाँ दी हमारे लिए, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, और बहुत ज़्यादा देश को आज़ाद करा, सबको आज़ादी दी, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसकी साफ सफाई होनी चाहिए और सबको सोचना चाहिए, सबको ही सोचना चाहिए। बेशक कुछ लोग ऐसी सोच से इत्तफाक रखते हैं, लेकिन ऐसी सोच रखने वालों की प्रतिशतता है कितनी? वहीं बात एक बार फिर उन्हीं ओहदेदारों पर आकर टिकती है कि आखिर वो विभाग कर क्या रहे हैं जिन्हें हरदम ऐसे स्थान दुरुस्त और साफ सफाई से परिपूर्ण रखने हैं। आखिर बाहर से आने वाला पर्यटक मंडी और मंडी के बाशिंदों की क्या तस्वीर लेकर जाने वाला है, जो आज़ाद भारत में सांस तो ले रहे हैं लेकिन आज़ादी दिलाने वालों को भुलाए बैठे हैं। के न्यूज़ के लिए मंडी से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सराज घाटी जंजैली के CSC में रोगियों को चिकित्सा सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है डॉक्टरों की कमी, और डॉक्टरों की कमी का नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
यहाँ आपातकाल सुविधा तो दूर, मरीज दिन के समय भी चिकित्सा सुविधा से महरूम है। सीएससी में ऐसी स्थिति तब उजागर हुई जब बीती देर शाम मधुमक्खियों के हमले से घायल एक महिला अस्पताल पहुंची। बीती शाम करीब 3 बजे यह महिला जब अपने जानवरों के लिए घास काट रही थी तो अचानक ही मधुमक्खियों के एक झुंड ने इस पर धावा बोल दिया। स्थानीय जनता ने इस प्रभावित महिला को लगभग 3:30 बजे अस्पताल पहुंचाया, मगर अस्पताल का नज़ारा कुछ और ही था। यहां इस महिला को चिकित्सीय सुविधा से वंचित रहना पड़ा क्योंकि अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इस विषय में जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला कि BMO साहब भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मरीज करे तो क्या, मजबूरन इस महिला को प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास अपना उपचार करवाना पड़ा। लगभग 4:45 बजे से पहले हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल, तो वहां पर डॉक्टर कोई भी नहीं थे, बोलते डॉक्टर छुट्टी पर गए वो सारे। तो वहां पर एक ही नर्स थी, एक टेक्नीशियन थी, लैब टेक्नीशियन। तो उन्होंने कहा कि हम तो कुछ भी नहीं, एडवाइस भी नहीं कर सकते, कुछ कर सकते। फिर तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, जो स्टाफ नर्स थी वहां पर, कि वो जो एडमिट कर दिया जाए मरीज को, क्योंकि काफ़ी उसकी दयनीय हालत है, बहुत उल्टियाँ आ रही है उसको, बहुत स्थिति खराब है, बहुत दर्द हो रही है उसको। तो नर्स ने बिल्कुल टोटली मना कर दी कि हम ऑथोराइज नहीं, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप जो है किसी और हॉस्पिटल जाइए। सर जी भाई, मैं लड़की का बाप हूँ और मैं जा रहा कहीं काम पर जा रहा हूँ, तो जब मैं जल्दी बाजार में मुझे पता लगा कि भाई ये जो है इसको रिंगल ने खाया, और उसके बाद हॉस्पिटल ले आए, वहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना कोई विभाग वाला डॉक्टर का मेडिकल वाला कोई नहीं है, तो इससे बहुत दिक्कतें हुई। इलाज करना हो तो कैसे किया जाए। इस अस्पताल की ये दास्तान सिर्फ एक बार की नहीं बल्कि कई बार दोहराई जा चुकी है। अक्सर देखा गया है कि जब वाहन 108 से भी रोगी यहाँ लाए जाते हैं तो भी यहाँ मरीजों को उपचार नहीं मिल पाता, जबकि 108 के माध्यम से अक्सर ज़्यादा गंभीर रोगियों को ही लाया जाता है। ऐसे में इस वाहन की भी क्या उपयोगिता रह जाती है, इस बात का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। जब हम 108 में कॉल करते हैं तो पेशेंट ले के आते हैं, तो यहाँ CSC जिंजड़ी में डॉक्टर नहीं होते हैं, तो उस करके जो सीरियस मैटर में जो मरीज होते हैं तो उनको दोबारा हमें बक्साइड या मंडी नीचे रेफर ले जाना पड़ता है, तो इस करके हमें बहुत ही दिक्कतें आ रही है। इस करके यहाँ जिंजड़ी में CSC जिंजड़ी में डॉक्टर होना चाहिए, डे नाइट होना चाहिए, एक ना एक तो डॉक्टर होना चाहिए। मिली जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में इस समय मात्र एक डॉक्टर ही दिन और रात दोनों समय की ड्यूटी दे रहा है, और किसी कारण यदि ये डॉक्टर अवकाश पर हो तो अक्सर ऐसी दिक्कतें मरीजों को पेश आती हैं। स्थानीय जनता ने अपील की है कि जल्द से जल्द इस अस्पताल में स्वीकृत स्ट्रेंथ के अनुसार डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए और सभी खाली पद भरे जाएं। के न्यूज़ के लिए जंजहली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक्स्ट्रा से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। रामहरी फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्बो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहां व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। द न्यू फोर्स फॉर अ न्यू इंडिया। श्रावण मास जारी है और ऐसे में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना हिंदू परंपरा का एक हिस्सा है।
अपनी इसी ही परंपरा को निभाते हुए पंडुओं के कुछ युवक हरिद्वार से कावड़ के माध्यम से गंगा जल लाने में सफल हुए हैं, जिसके स्वागत के लिए पंडुओं की तमाम जनता एकजुट हुई और उन्होंने हरिद्वार से लौटे हुए कावड़ियों का स्वागत किया। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। कांवर उठा नारा शिव का लगा, मन चाहा फल देंगे बाबा। बीती 22 जुलाई को हरिद्वार के लिए पंडोह से निकला कावड़ियों का दल रविवार को वापस पंडोह लौट आया है। आपको बता दें, गंगा जल से भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया जाना हिंदू परंपरा का एक हिस्सा है और ऐसे में पंडोह से इस पवित्र गंगा जल को लाने गया कावड़ियों का दल रविवार को वापस लौटा, जिनके स्वागत के लिए पंडोह की तमाम जनता एकजुट हुई और इन कावड़ियों का स्वागत किया। इस बार समस्त पंडो की जनता ने उनका आभार प्रकट किया, क्योंकि उन बच्चों ने जो जहाज काम किया, एक साहसिक काम किया, इसके लिए पूरे पंडो निवासी इनका आभारी रहेंगे। और आने वाला समय ये कांवड़ी अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लेंगे। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटे युवकों ने इस कावड़ परंपरा से भी अवगत करवाया और साथ ही कावड़ की उत्पत्ति के पीछे छिपी कथा से भी रूबरू करवाया। कावड़ियों ने बताया कि भगवान परशुराम ने कावड़ प्रथा का शुभारंभ किया था। कावड़ वो चीज है कि एक समय में जब देवताओं और दानवों के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो उस समय समुद्र मंथन से जो विष निकला था, वो विष जो है शिव शंकर ने जो है उस विष को धारण किया था। उस विष को धारण करके जो है जो ज्वाला प्रकट हुई थी, उस ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान परशुराम ने जो है वो गंगा जल वो कांवड़ उठाया था, जिसके द्वारा कि भगवान की जो ज्वाला जो है उसको शांत किया गया था। तब से ये कांवड़ जो है का ये प्रचलन हुआ है। पंडोह निवासी बीते 5 सालों से इस परंपरा को निभाते हुए हरिद्वार से गंगा जल ला रहे हैं और उपरांत गंगा जल से भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया जाता है। इसमें कांवड़ में हम हरिद्वार से हल्की पौड़ी से गंगा जल उठाते हैं। गंगा जल इतना पवित्र है जो कि हिंदू समाज में मरने से लेकर और जन्म तक इसका हमारे साथ संबंध है। इसके बिना हमारी गति नहीं कही जाती है। तो हमारे पूर्वज भागीरथ ने भी गंगा जल को गंगा मैया को ब्रह्म लोक से जो लाया था और उनके जो 88,000 पूर्वज थे जो जिनकी गति नहीं हुई थी, उनके लिए उन्होंने गंगा को ब्रह्म लोक से लाया था। उसी गंगा को हम भी अपने अपने गाँव में ले जाकर भगवान शिव के ऊपर इसका गंगा अभिषेक करेंगे, जिसका प्रचलन हजारों सालों से हमारे इस भारतवर्ष में किया जा रहा है। वहीं पंडोह की जनता ने भी इन सभी कावड़ियों का आभार व्यक्त किया है, जिनकी बदौलत पूरा पंडोह भगवान शिव की छत्रछाया में है। स्थानीय लोगों के अनुसार वे अपनी इस परंपरा को भविष्य में भी कायम रखेंगे और आने वाले समय में अधिक से अधिक संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। के न्यूज के लिए पंडोह से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ के न्यूज में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। बने रहिए के न्यूज के साथ।